देखो चक्रवर्ती जी महाराज से अधिक धन हमारे पास नहीं होगा। चक्रवर्ती जी ने क्या व्यवस्था किया, प्रभु वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहि अनुजन समुझाई आय सुमागी करहि पुर काजा देखि चरित चरित हर सत्संग का व्यवहार हो चाहे जो व्यापार हो, घर का वातावरण सत्संगी का होगा, हम बच्चों को सादर चर्चा मिलें। देखिए कैसे नहीं अंतस्थ भाव उत्पन्न होता है, कैसे संस्कार नहीं, अरे भाई जिसमें रखेंगे वो धीरे धीरे स्वभावगत हो जाएगा, बन जाएगा। 12 वर्ष में जिस संस्कार के साय में जीव रहता है उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। सुग्रीव जी को भगवान ने समझाया तो बहुत, लेकिन सुग्रीव जी को तो जो था वो था। भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली सुग्रीव जी का दुख सुनकर, क्या सुनो सुग्रीव मारी हम बाल ही ये कही बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गये प्राण। भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली एक बाण में मार दूंगा, ब्रह्मा शिव जी की शरण जाएगा तब भी कोई रखने वाला नहीं है। भगवान ने अपना नाम नहीं लिया, क्यों? भगवान यह जानते हैं कि कदाचित मेरी शरण में आ गया तो हमको उसको रखना पड़ेगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत, सुग्रीव को विश्वास न हुआ सहज, बोला प्रभु बाली बहुत बलशाली है, बहुत बलवान है। एक कथा प्रचलित है कि बाली से जो युद्ध करता था आधा शक्ति उसकी बाली में चली जाती थी, ये झूठ कथा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, न जाने कहां से कथावाचक लेके आए, ये झूठ है। अच्छा मान लो जो कह रहे हैं उन्हीं की सही है, तो राम जी के बल का तो कोई अनुमान नहीं है, अथाह बल है, तो भगवान का आधा बल बाली में कितना जाएगा? अरे कुछ जिसकी नाप हो उसका ना आधा करेंगे आप? भगवान का तो असीम बल है, बलम अप्रमेय मनेकमेकम, अरे कितना अप्रमेय है भगवान, अप्रमेयम अनघम, जिसके समुद्र से भी अधिक बल है। अरे भगवान कितने ऊंचे, बलि बाधत प्रभु बाड़े, वो तीन पग में भगवान ने पूरी सृष्टि नाप ली, तीसरा बलि के सिर पर रखा। तो भगवान की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती है, मोटाई नहीं, लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, तो उनके बल का क्या नाप होगा? झूठ। भगवान ने छिप के नहीं मारा, दो लोग कोई व्यवहार कर रहे हो ना तो प्रत्यक्ष जाकर के तमाशबीन नहीं बनना चाहिए। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, क्यों? जिसमें स्वयं अविश्वास अपने प्रति होता है उसको दूसरे के प्रति भी विश्वास नहीं होता। हमारे में जब विश्वास होगा हमको, तब दूसरे में विश्वास होगा कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे।
अब हमको हमारे में विश्वास नहीं, सुग्रीव को अपने पर विश्वास नहीं है, तो उसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान जी बाली को मारेंगे। तो अब देखिए, यही तो क्या कहें, कथा क्या सुनावें क्या छोड़ें। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ले ली, किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7। कैसे परीक्षा ली? दुंदुमी नामक एक असुर था, उसने किसी हाथी का वध किया, तो इसी पर्वत पर जहां सुग्रीव जी रहते हैं ऋषिमुख, शबरी अम्बा के सदूर देव भगवान ऋषिवर मातंग जी तपस्यारत थे। हाथी को मारने पर उसके बदन की रक्त की बूंदें ऋषिवर के बदन पर आके गिर पड़ी, नेत्र खुल गए। ऋषि जी ने देखा, श्राप दे दिया, जिसने यह घटनाक्रम बनाया, जिसने यह व्यवहार किया, वह जीव इस स्थल पर आएगा तो उसका मस्तिष्क खंड खंड हो जाएगा। ये बाली ने किया था तुंदुवी के साथ। अरे, सुग्रीव ने कहा, प्रभु क्या ये दुंदुभी असुर की अस्थियां यहां से दूर फेंकी जा सकती हैं? क्या ताल के सातों वृक्षों को एक बार में खंडित किया जा सकता है? आवेलो, भगवान जो करने योग्य है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं करने योग्य है वो भी कर सकते हैं, करने नहीं करने योग्य के अलावा जो है वो सब भगवान कर सकते। क्या नहीं कर सकते प्रभु? ये विश्वास भक्त को होना चाहिए, भगवान सब कर सकते, सब करने वाले। दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। भगवान ने बिना प्रयास ही अस्थियां ताल के वृक्षों के सिर खंडित करते हुए दुंदुभी की अस्थि उठाकर बाण कहीं और छोड़ाए और आके भगवान के निशंग में प्रवेश कर गए। सुग्रीव चरणों में गिर पड़ा, खाए। अब जब देखा प्रभाव तो उसका ज्ञान चक्षु खुला। कई लोग जब तक प्रभाव नहीं देखते हैं उनका स्वभाव ठीक नहीं होता। सुग्रीव भी उसी में से। अब कहने लगे सुग्रीव, प्रभु बाली हमारा हितैषी है। क्यों? क्योंकि बाली हमको त्रास देकर यहां न बिठाते तो आपका दर्शन कैसे हो पाता। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब करिहरी सब परिहरी करी हो सेवकाई। क्यों? ए सब राम भगति के बाधक। भगवान बोले, मित्र कहते हो जो सही तो वही है, परंतु हमने जो कहा है वो झूठा नहीं होगा। सुग्रीव सपने में किसी से युद्ध हो जाए, जगने पर वो सामने दिखे तो थोड़ा सा मन दुखी होता है। प्रभु अब जो हुआ सो हुआ, क्षमा। भगवान बोले, देखिए राम जी एक वचनी हैं, राम जी दो बार बात नहीं करते, एक बार कहते, एक बार कह दिया सो कह दिया। प्रभु का स्वभाव, प्रेरित किए जाइए। पहली बार गए सुग्रीव, बाली ने इस प्रकार घूसा मारा कि लगा सुग्रीव का प्राणांत तो हो जाएगा। भगवान वृक्ष के पीछे खड़े देख रहे, भागे। वज्र संप्रहार पाकर सुग्रीव भागे। जामन जी महाराज ने जड़ी बूटी रगड़ा शरीर पर। सुग्रीव कहता है, प्रभु आपने अच्छी मैत्री निभाई, एक ही और मार देता तो जय श्री सीताराम हो जाता है। भगवान ने कहा, मित्र
आप दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए मेरे को पहचान नहीं हो पाया। मैं सोचा मारूं और उनकी जगह आपको लग जाए, तो भगवान ने तो समझा लिया। वस्तुतः भगवान यहाँ ये संदेश देना चाहते हैं कि दो भाई आपस में बैर भाव से चल रहे हों तो दोनों सन्मुख गए तो कहीं दोनों की प्रीत बचपन की सन्मुख खड़ी होकर ऐक्य न बना दे, इसलिए भगवान छिप करके देख रहे हैं। देखे भाव क्या है, और ध्यान रखिएगा, छोटे को तो उत्पात योग्य है, बड़े को उत्पात नहीं करना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को गयो जो भृगु मारी लात। बड़े भाई को सदैव क्षमा करना चाहिए और छोटे भाई को जैसा कर रहा वैसा ही करना चाहिए। बड़े से त्याग की अपेक्षा, भगवान ने वन स्वीकार किया, भरत जी ने नहीं। पहला वचन वनवास का नहीं था, तिलक का था। या तो बड़े को त्याग करना और तुम्हारे लिए समझदार को त्याग करना, फिर ये नहीं देखना कि हमारे बड़े तो बड़े उत्पाती हैं, उनका उनकी, हमको समझ है तो हमको त्याग करना चाहिए। भगवान ने शरीर को स्पर्श किया, सुग्रीव का शरीर वज्रवत हो गया, पीड़ा समाप्त हो गई। निज करमाल भगवान ने पहले पहना दी, गए युद्ध भया, भगवान ने सर उतार दिया बाल के हृदय। परा विकल विकल मही सर के लागे लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। बाल ने बहुत बढ़िया बात कही, हृदय प्रीति मुख वचन कठोर, बोला चितई राम कीओ। मैं बैरी सुग्रीव पिया, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। मैं शत्रुभाव, सुग्रीव आपका प्रिय, मेरा दोष क्या है? भगवान ने दोष गिनाए, आप जानते। बाली ने कहा, प्रभु ये कोई दोष नहीं है, आप सब जानते हो। मेरे भुजाओं केवल आश्रित जान करके और सुग्रीव का वध करना चाहते थे, दोष नहीं है। मैं वीर हूँ, कोई ललकारेगा हम उसके साथ युद्ध करेंगे सरकार, ऐसा नहीं। आप किस स्त्री ने मेरे बारे में आपको संवाद सुनाया समझाया तब भी आप नहीं माने? बोले मैं वीर हूँ ना, तो मैं क्या मानूँ? या कि मुझे ललकार रहा है, कोई काल भी आएगा वीर है तो युद्ध करेगा। आपने नहीं परशुराम भगवान से कहा था, काल होगा तब भी हम युद्ध करेंगे, हम रघुवंशी हैं। काल हुंडर इन रन रघुवंशी, कहम स्वभावन कुल ही प्रसंती, काल हुंडर इन रन रघुवंशी। तो सरकार, हम तो आपका ही दिया हुआ कर रहे हैं। अरे अंत में बाली ने कहा, प्रभु आपने जो कहा मेरे में सब है, परंतु अंत में हमको आपकी शरण मिल गई है, तब भी मेरे में दोष ही है। कितना दिव्य भाव बना, सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी, जब अंधकार गति तो। शरण में आ गया, भगवान ने कहा अचल करूं तन राखो प्राण। बाली ने कहा, सरकार जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं, अंत में सरकार का नाम श्रमुख से नहीं आता है, आ गया तो आवागमन से छुट्टी हो जाती है, वो प्रभु मेरे सन्मुख हैं, अब इसको रख कर क्या करूँगा? योग्य पिता को जो करना चाहिए बाली कर गए। बोले सरकार, ये मेरे पुत्र अंगद हैं, इनको दास भाव में लिया जाए।
गई बाँह सुर नर नाह आपन राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल के तन सुमन माल जिमि कंठते घिरत न जानैना। प्रभु के चरणों में दृढ़ प्रीति बनाते हुए बाली ने शरीर का त्याग कर दिया। देखिए, प्राण जब निकलता है तो बहुत कष्ट होता है, जब चिल्लाने लगता है अफरा तफरी उसको हो जाती है। गरुण पुराण में यह भी लिखा है कि कहां से प्राण निकलता है तो जीव को कौन सी योनि प्राप्त होती है। ऋषियों ने कुछ छोड़ा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है प्राण का ब्रह्मरंध्र से निकलना। ये चलता रहता है ना, धक 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 धक। और सबसे बुरा है अधोस्थल से निकलना। समझ रहे हैं ना, प्रातः स्मरणी योग महर्षि ब्रह्मवेत्ता पूज्य योगिराज श्री देवराहा बाबा जी का जो प्राण निकला तो ब्रह्मरंध्र से निकला। ये ब्रह्मरंध्र फट गया सीधा ही। जिस अंग से निकलेगा उसी प्रकार गति होगी। अब अलग अलग भाव है, पुराण आप दर्शन करें। गीता प्रेस जी ने सभी पुराणों का विशेषांक दिया है, रखिए कम से कम 18 पुराण तो रखिए। हाँ, पढ़ते रहिए, कभी कभी कुछ पढ़े, देखिए कम पढ़िए थोड़ा अधिक, कुछ तो प्राप्त होगा। भगवान ने सुग्रीव जी को आज्ञा दी, संस्कार करिए। तारा माँ विलाप करती थी, उनको ज्ञानोपदेश प्रभु ने कर दिया था। सुग्रीव जी को आज्ञा दी, फिर संस्कार संपन्न किया कवियों के साथ में, और जामवन जी लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव जी को अभिषेक किया गया है, राजा बनाया गया। अंगद जी को भगवान ने युवराज पद भेंट किया। जाओ, अब प्रभु परवर्षण पर्वत पर 4 माह व्यतीत करते हैं, चातुर्मास से दिन रात मिलाकर। चातुर्मास के बाद भगवान ने आवेश देकर लक्ष्मण जी को भेजा है। सुग्रीव जी आए, हनुमान जी जामवंत बाबा पहले से ही कपियों को, नारायण कपियों को बुला रखा है। सब लोग आए, सुग्रीव जी ने सबको संदेश देकर भेजा, जाइए 1 माह में माता का पता लगा कर आइए, जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सब लोग गए दक्षिण दिशा में। 10 युद्धपति जामवंत बाबा के सानिध्य में हनुमान जी अंगद जी नलनिब गवगवाक्ष दुविध मयंद केहरी आदि भेजे गए। सबने प्रणाम किया प्रभु को। पाछे पवन तने सिरनामा जान काज प्रभु कर मुद्रिका दीन जन जानी। पहले परसा शीश सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी महाराज अपने जन्म को सफल माने। देखिए, भगवान अपने कार्य किससे कराना है उसको ढूंढ लेते हैं, और जिसको भगवान ढूंढ ले उसको अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए।